जायगार्डे के लिए अल्टारिया भी एक स्टेज होती है जिसको हमें कंप्लीट करना है, तो मैं इस स्टेज को कंप्लीट जरूर करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि मैं जायगार्डे को कैच करना चाहता हूँ और आपको भी कैच करवाना चाहता हूँ, ठीक है। ये अपना जायगार्डे यहाँ पर मिलेगा अमेरिकल एक्सचेंज पे, और यहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि जायगार्डे को एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास होना चाहिए रेजाइस और अल्टारिया म्यू और जायगार्डे 10%, ठीक है। रेजाइस को यहाँ पर कैच कर लिया, अब बारी है अल्टारिया को कैच करने की, ठीक है। तो मैं अल्टारिया को यहाँ पर कैच कर लेता हूँ। कैसे करना है आपको ये बता देता हूँ। देखो यार, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको एक नाइटलेस कैच करना है जिसका मतलब 1 स्टार नहीं हो तो भी चलेगा, बस इसकी इंडिविजुअल वैल्यू पर्पल होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता क्या होती तो आप वीडियो देख सकते हैं इंडिविजुअल वैल्यू की, मैंने बनाई हुई है, ठीक है। आप वोट वैल्यू 120 और इम्यूनिटी 20, ये सब बातें हो गई, ठीक है। उसके बाद चाहिए एक पीजीओट, मेरा पीजीओट कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है, वो नहीं ले रहा है, क्विप नहीं कर रहा है, तो मैं डायमंड दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चाहिए एक जायगार्डे सेल, इसके बदले मैं डायमंड दे रहा हूँ, पर आप चाहे तो डायमंड मत देना, ठीक है, जायगार्डे सेल ही दे देना, क्योंकि जिस जिसने क्वेस्ट को कंप्लीट किया ना उसके पास एक जायगार्डे सेल ज़रूर है, तो एक जायगार्डे सेल को यहाँ पर यूज कर लो, क्योंकि म्यू तो अपने पास पहले से ही है, ठीक है। तो मेरे तो यहाँ पर डायमंड लग रहे हैं, पर आपका यहाँ पर कुछ नहीं लगना है, ठीक है। मेरे डायमंड इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ और मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ अपने को, ठीक है। तो चलो, हमारा हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट। मेरे पास भाई इतने डायमंड है तो मैं इसलिए खर्च कर पा रहा हूँ, पर आपने यहाँ पर इन पोकेमोन को एवोल्यूशन देना, मतलब इम्यूनिटी एफोर्ट सब देना जब यहाँ पर आना, ठीक है। तो चलिए, मैं इसको एक्सचेंज करता हूँ अब। तो गाइस, जो मैंने बात की थी कि मैं जायगार्डे को किडनैप करूँगा, तो ये बात बिल्कुल सच थी, और इसको प्रूव करने के लिए मैंने एक यहाँ पर जो पोकेमोन है अल्टारिया, इसको कैच कर लिया, तो ठीक है। अब देखिए लाइव की मैं इसको कैच कर रहा हूँ, वीडियो को बीच में पॉज कर दिया था एक बंदा यार, बार बार चैलेंज कर रहा था, इसको ठोक कर आया हूँ अभी। क्या नाम था पता नहीं इसका भी, मेरे से ज़्यादा पावर ले रखा था, फिर एक ही पोकेमोन से सबको उड़ा दिया मैंने। यार मूड ख़राब कर देते ऐसे लोग। चलो कोई बात नहीं, तो अब हम बात करते अल्टारिया के बारे में कंप्लीट। ये मैंने कैच किया है यहाँ पर, तो अपना अल्टारिया देख सकते हैं कैसे मैंने इसको लेवल दिया था अभी कुछ। वैसे मैंने दिया ये मतलब ना, जब इसको करते हैं कुछ पावर देने के लिए जब होता है ऐसा, तो इसकी जो लेवल होती है वो 15 हो चुकी है अपने आप, ठीक है। तो हम इसका एवोल्यूशन देखें तो भाई बहुत ही अच्छा है, सुपर अल्टारिया। इसमें आपको फेरी मिल जाता है ड्रैगन के साथ, ठीक है। इतना अच्छा अपग्रेड है यार इसका, सच बता रहा हूँ मैं। उसके बाद कन्वर्सेशन स्टोन देने के बाद तो एकदम गजब ही हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कितना मस्त दिखता है, कॉटन जैसा, ठीक है। कोई बात नहीं, अब इसका हो गया। अब इसको मतलब ना एफोर्ट वैल्यू और मतलब इम्यूनिटी लेवल देके और इसको हम जायगार्डे के लिए यूज करेंगे आप, ठीक है। पर आपको यूज करना तो अब इसको वैसे भी यूज कर सकते हो, बहुत पावरफुल पोकेमोन है, ठीक है। तो मिलेंगे यार अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको कैच करना सिखाऊंगा म्यू। वैसे तो म्यू मेरे पास है, पर जिसके पास नहीं है उसको कैच करना सिखाऊंगा, ठीक है। और बाकी तो जायगार्डे 10% हो सकता है, मैं म्यू से पहले ही बता दूँ। जो कमी इस वीडियो में रह गई हो, कुछ भी कमी रह गई हो बता देना, मैं जब जायगार्डे 10% को कैच करूँगा उस टाइम बता दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास सैंड स्लैश और यहाँ पर स्टील एक्स, मतलब दोनों मेरे पास हो चुके हैं अभी कंप्लीट, ठीक है। तो मैं अभी बस ये बीटरल रह गया है, मेगा बीटरल मेरा, इसमें 2 स्टोन की कमी है, बाकी नहीं। तो मैं अभी दिखा देता आपको कैच करने की ट्रिक, ठीक है। तो ठीक है यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखना अपना और अपने पोकेमोन का।